नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए हैं आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि ये खबर जो दिखाने जा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों के प्रोत्साहन राशि से रिलेटेड जो है कि ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर वो लेटर दिख रहा होगा जिस लेटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है, बिहार सरकार यहाँ पे पत्रांक संख्या दिया गया है कि 3637 दिनांक 26/7/2022 को ये लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ निदेशक बताया जा रहा है कि ICDS निदेशालय बिहार पटना की तरफ से ये जो है कि लेटर जारी हुआ है। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार के लिए ये लेटर जारी किया गया है। आइए इसके विषय को देखते हैं। विषय में जो है कि कुछ जो है कि आपको कन्फर्म हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1/11/2021 से 30/4/2022 तक केंद्रवार गृह भ्रमण एवं वृद्ध निगरानी का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में महिला एवं बाल विकास सरकार भारत सरकार का पत्रांक संख्या इतना दिनांक 15 जुलाई 2022 को, यानी ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से 30 अप्रैल तक के बीच में जो गृह भ्रमण और वृद्ध निगरानी जो है कि ये प्रतिवेदन इसका उपलब्ध कराने के लिए जो है कि ये लेटर जारी किया गया है। यहीं आपको बताया जा रहा है कि बाल विकास एवं महिला भारत सरकार की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था 15 जुलाई 2022 को। इसका प्रतिवेदन मांगा गया है जिसको लेकर अब ये जो है कि ICDS निदेशालय पटना की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों के लिए लेटर जारी हुआ है कि इनका जो है कि प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए विभाग को, ताकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ जो है कि अपना पोषण ट्रैकर ऐप पर काम की हैं उनका जो है कि अतिरिक्त मानदेय यानी प्रोत्साहन राशि जो है उनको जो है कि उनके खाते में जो है कि भेजा जाए जल्द से जल्द। तो इसको लेकर जो है कि एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार राज्य से कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे काम की हैं उनको जो है कि प्रोत्साहन राशि देने के लिए ICDS विभाग की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों के लिए आंगनबाड़ी बहनों से जो है कि प्रतिवेदन मांगा गया है, इसको लेकर जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उनका प्रोत्साहन राशि जो है कि ये बताया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है कि प्रतिवेदन इनका उपलब्ध कराया जाए ताकि जल्द से जल्द उनको जो है कि ये प्रोत्साहन राशि है उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो करीब ये जो है कि 15 दिन के अंदर अंदर आंगनबाड़ी बहनों के खाते में जो है कि ये प्रोत्साहन राशि जो है उनके खाते में जो है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी बिहार राज्य से, जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।